तो हे गाइस, हाउ यू, होप कि आप अच्छे होंगे। और आज की वीडियो में हम बात करेंगे पॉलिटेक्निक इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग के करने के क्या फ़ायदे हैं, अगर आप इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग से डिप्लोमा करते हो तो उसके बेनिफिट क्या हैं, कैसे इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग आपके लिए बेनिफिट साबित हो सकता है, इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग करने के क्या फ़ायदे हैं, कैसे आप अपने करियर को आगे लेके जा सकते हो, इस पूरी वीडियो में इसके बारे में बात करेंगे। और पहली बार आप चैनल पर नया है तो सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को जरूर हिट करिएगा ताकि हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलती रहे। कैसे अगर हम इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग की बात करें तो बहुत सारे लोगों का ये कहना है कि इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग डेड हो गया है, लेकिन मैं कहूँगा इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग न कभी डेड हुआ है न कभी होगा। आप जो जिस फ़ोन में यूट्यूब देख रहे हो ना, वो भी किसी इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियर ने उस फ़ोन को बनाया है। तो आप कैसे कह सकते हो कि इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियर डेड हो चुका है, इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग का स्कोप नहीं रहा। देखो, इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग का स्कोप था, है और हमेशा रहेगा। इस पृथ्वी लोक पे जब तक आप हो तब तक इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग रहेगा, लेकिन हम समझ नहीं पाते कि इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग का वैल्यू कितना एड ऑन है, इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग कैसे आगे जा रहा है, इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग कैसे हमारे करियर को आगे लेके जा रहा है, हम शायद उस चीज़ को समझ नहीं पाते हैं। अगर हम उस चीज़ को सही से समझ ले जाएँ, अगर हम उस चीज़ को सही अप्लाई कर लें तो शायद हमारे लिए चीज़ें बेटर हो जाएंगे। एक और चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगा, सबसे बेटर चीज़ मैं आपको यहाँ पे बताना चाहता हूँ इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग के बारे में। देखो, इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग एक ऐसी इंजीनियरिंग फील्ड है, अगर हम बेनिफिट की बात करें तो इलेक्ट्रॉनिक्स की बड़ी बड़ी कंपनियाँ हैं। कंपनियों के बारे में सबसे पहले आप जान लो, सोनी हो गया, पैनासोनिक हो गया, सैमसंग हो गया, उसके बाद सोमी हो गया, ओप्पो हो गया, वीवो हो गया, एलजी हो गया, ऐसी बहुत सारी बड़ी बड़ी कंपनियाँ हैं जो इंडिया में हैं और काफ़ी बड़े पैमाने पर डिप्लोमा होल्डर्स को जॉब दे रही है। अभी क्या हो गया है, देखो आप ये देख लो, एप्पल जैसी कंपनियां ऑटोमोबाइल सेक्टर में आप चले जाओ, इतने मैकेनिकल इंजीनियर्स की जॉब है, इतनी मैकेनिकल डिप्लोमा होल्डर्स की जॉब है, इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियर्स की जॉब है, बहुत सारे लोगों का स्कोप है। ऐसा नहीं कि ऑटोमोबाइल सेक्टर में सिर्फ मैकेनिकल की जॉब है, इलेक्ट्रॉनिक्स की नहीं, इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियर की भी जरूरत है, ठीक है। तो बहुत सारे स्कोप है इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियर का ऑटोमोबाइल सेक्टर में भी। अगर हम इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग कंपनियों की बात कर ले, बहुत तेज़ी से आगे बढ़ रही है मैन्युफैक्चरिंग कंपनियाँ, बहुत तेज़ी से आगे आ रही हैं मैन्युफैक्चरिंग कंपनियों में, डिमांड बढ़ रही है, तो मैन्युफैक्चरिंग कंपनियों में भी इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियर की डिमांड बढ़ रही है। पीसीबी डिजाइनिंग का काम होता है, पीसीबी का डिजाइनिंग का बहुत बड़े लेवल पे काम होता है, पीसीबी डिजाइनिंग में आप जा सकते हो। वीएलएसआई डिजाइनिंग है, वीएलएसआई डिजाइनिंग में भी जा सकते हो। डिजाइनिंग भी एक बहुत बड़ा पार्ट है इलेक्ट्रॉनिक्स इंडस्ट्री का, लेकिन हम लोग समझ नहीं पाते हैं कि डिजाइनिंग एक बहुत बड़ा पार्ट है इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग का। तो डिजाइनिंग में जो लोग जाना चाहते हैं, डिजाइनिंग में करियर बनाना चाहते हैं, डिजाइनिंग में अपने करियर को आगे लेके जाना चाहते हैं, वो लोग अपने करियर को आगे लेके जा सकते हैं और डिजाइनिंग में बहुत कुछ कर सकते हैं गाइज, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग अगर आप सही से करते हो गाइज ना, तो ट्रस्ट मी, आप अपने करियर को बहुत दूर लेके जा सकते हो। सैलरी की बात कर ले तो यहाँ पे अब स्टार्टिंग सैलरी 15,000 से 20,000 रुपये आपके इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग में स्टार्टिंग सैलरी है, और धीरे धीरे सैलरी आगे बढ़ती चली जाएगी और आप पैसा कमाते चले जाओगे। तो जैसे जैसे आपकी सैलरी बढ़ेगी, वैसे वैसे आपकी लाइफ में चीज़ें भी और ईजी होती चली जाएंगे और आप पैसा कमाते चले जाओगे। लेकिन आपको समझने की जरूरत है, इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग अगर आप सही नहीं करते हो तो बहुत ज्यादा प्रॉब्लम भी है, कंपटीशन का जमाना भी है, तो आपको सही से करना बहुत जरूरी है। जब सही से करोगे तभी इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग करके आप आगे बढ़ पाओगे, नहीं सही से करोगे कंपटीशन के जमाने में आप पीछे रह जाओगे, शायद आपका करियर आगे नहीं बढ़ पाएगा। कंपनियों में अप्लाई करना पड़ेगा, अच्छे से पढ़ाई करनी पड़ेगी, अच्छे से इंटरव्यू देना पड़ेगा, तभी जाकर के आप इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग में सक्सेसफुल इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियर बन सकते हो। देखो, जियो में भी इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियर का जॉब है, एयरटेल में भी है, वोडाफोन में भी है, बहुत सारी ऐसी कंपनियां हैं टेलीकॉम की जिसमें इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियर की जॉब है, ठीक है। जितनी भी आपके अगल बगल डिवाइस है, जैसे मेरे देख लो, फैन है, एलईडी है, लैपटॉप है, एसी है, जितनी भी सारी चीज़ें हैं सब मैन्युफैक्चरिंग होती हैं और सब मैन्युफैक्चरिंग की जगहों पर इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियर की जॉब है। तो गाइस, इस पे सोचने की ज़रूरत है, और मैंने आपको बता दिया, अब आपका काम है अप्लाई करना और करियर को आगे लेके जाना। वीडियो में इतना ही होगा, इस वीडियो आपको पसंद आएगा, जो लोग टेलीग्राम पे वहाँ पे भी जाके ज्वाइन करें, लिंक डिस्क्रिप्शन में एक बार जाकर के ज़रूर देखिएगा। जिनको भी करियर काउंसलिंग चाहिए एक बार जाकर के लिंक डिस्क्रिप्शन में ज़रूर देखें। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।